तो दोस्तों बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी से पुराना रिकॉर्ड वहाँ पे देखा जा सकता है, और कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं एम्प्लॉय आईडी से पुराना रिकॉर्ड नहीं देखा जा सकता। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, नॉर्मली जहाँ पे 200-400 एम्प्लॉय होते हैं मिनिमम, वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक एम्प्लॉय आईडी दी जाती है। एमएनसी कंपनी में तो आपको मिलता ही मिलता है, बट हो सकता है जहाँ पे 5-10-15 एम्प्लॉय वहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी ना मिले। 100 यूजर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट करके दिया जाता है। उस एम्प्लॉय आईडी के बिहाइव पे आपका सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। आपने कब ज्वाइन किया है, आपको ऑफर लेटर कब रिलीज हुआ था, आपने कितने दिन काम किया है, कितने महीने या कितने ईयर, या आपका पीएफ स्टेटमेंट वगैरह, मतलब A to Z जो डेटा होता है वो एचआर टीम के पास अवेलेबल होता है या एचआर टीम के डेटाबेस में होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एचआर के पास डेटा होता है ना, वो वेरिफिकेशन से कोई लेना देना वहाँ पर नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कि जब आपकी एम्प्लॉय आईडी बनती है तो उस कंपनी में आपका डेटा ज़रूर होता है, मतलब एचआर के डेटाबेस में आपका डेटा ज़रूर होगा, जहाँ से अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे 1 साल काम किया और वापस से 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद भी आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो तो वो आपका डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी ओल्ड एम्प्लॉय आईडी से। तो यहाँ पे क्लियर पॉइंट है कि एचआर के डेटाबेस में आपका डेटा रहता ही है, आपकी एम्प्लॉय आईडी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि जैसे आपका एक आधार नंबर होता है, एक यूएन नंबर होता है जो कि यूनिवर्सल होता है, सेम डुप्लीकेट दूसरे का नहीं हो सकता, उसी तरीके एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती इन टर्म ऑफ कंपनीज। एंड यहाँ पे एक मैं और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी पुरानी एम्प्लॉय आईडी से, मान लो कि आप एबीसी कंपनी में जॉब करते थे और आपने वहाँ पे छोड़ दिया, तो उस एम्प्लॉय आईडी से कोई भी डिटेल आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी के पास नहीं होता है और वहाँ पे वो डेटा आपका स्टोर नहीं होता है पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी से। तो यहाँ पे आप नो डाउट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं एम्प्लॉय आईडी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली कंपनीज के पास आपका डेटा होता तो वहाँ पे आपका डेटा नहीं होता, बट एचआर के पास डेटाबेस में ज़रूर होता है जो कंपनी की वहाँ पे एचआर होते हैं। नो मैटर कि आप वहाँ पे कंपनीज के जो एचआर हैं वो 5 बदल के, 10 बदल के, 20 बदल के, नो मैटर, बट स्टिल आपका डेटा वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।